नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं पांच स्टॉक के बारे में एक साथ डिस्कस करूंगा, जिन पांच स्टॉकों में अब इस 2021 में आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल के बाद आपका इस स्टॉक में बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसका परफॉर्मेंस पिछले क्या हुआ था और आगे क्या होगा, वो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा। और उसके बाद आपको लगता है कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप ज़रूर इसमें स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए, ठीक है। मैं इस पहले में बता देता हूँ, इस स्टॉक के मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपका इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस और अच्छा खासा डिटेल्स में यहाँ पर आपको ढूंढ कर निकाल कर देखा रहा हूँ। तो पूरा डिटेल्स जानिए, उसके बाद इसमें स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले जो स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब आप सभी जानते हैं डीमार्ट के बारे में, कितना अच्छा खासा कंपनी है, मतलब ज़बरदस्त कंपनी है। फ्यूचर में जो आपको जो रिटेल मार्केट में बिजनेस करता है तो कितना शानदार परफॉर्मेंस किया है पिछले पिछले क्वार्टर में, पिछले सालों में, और आगे वाले दिनों में भी कितना शानदार परफॉर्मेंस करेंगे, वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, उसके बाद आप स्टडी करिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए। देखिए यहाँ पे एक साल के मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। एक साल में देखिए कोई भी स्टॉक बहुत अच्छा खासा रैली दिखाया है, 68% आपको रिटर्न दिया है। अब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कितना शानदार परफॉर्मेंस, 2017 से कंपनी लिस्टिंग हुआ है स्टॉक मार्केट में, उसके बाद देखिए 442% का रिटर्न दे चुके हैं। तो धीरे धीरे कितना शानदार चार्ट पैटर्न कंपनी बना रहा है, ठीक है। और इसका जो बिजनेस पैटर्न है आप जान खुद ही जानते हैं, इसका टोटली रिटेल बिजनेस है। और इस कंपनी का मैं एनएससी साइट में जाकर कुछ डिटेल्स भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको मैं कुछ हाई ओपन हाई लो नहीं दिखाने वाला, सिर्फ आपको डिलीवरी कितना डिलीवरी से उठ रहा है वो देख लिया 63%, और भी कुछ मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ, इसका जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है वो देख लिया 74.99%, मतलब आप आपको करीबन लगता है कि 75% का प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो जिसके ज़्यादा परसेंटेज होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, प्रोमोटर खुद ही उसको होल्ड करके रखा है, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा कंपनी वो फ्यूचर में बन सकते हैं। और कुछ भी गिरवी नहीं रखा है यहाँ पे, और टोटली डेट फ्री कंपनी है। मैं जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको जानकारी दूंगा, आप हर कोई स्टॉक में आपको डेट फ्री मिलेगा, ठीक है। और इसका जो रिटर्न मतलब प्रॉफिट है वो देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, ठीक है, 7,30,313 लैक्स का मतलब टोटल इनकम हुआ है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। तो आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे स्टडी करिए, उसके बाद स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो दूसरा जो स्टॉक है वो आप देख लीजिए यहाँ पे दीपक नाइट्रेट, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कंपनी है, टोटल केमिकल सेक्टर से, मतलब केमिकल का जो और फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्ट बनाता है, मतलब जो केमिकल सेक्टर में बहुत सारा खासा इसका बिजनेस है और लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस है। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख ही सकते हैं, टोटल 26.63 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसका जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कितना शानदार परफॉर्मेंस कंपनी दिया है, 10,876% आपको रिटर्न दिया चुका है, कौन सा सालों में, 2010, मतलब देखा जाए 11 सालों पकड़ लीजिए, 11 सालों में इस कंपनी ने टोटल 10,876% रिटर्न दिया है, मतलब आप CAGR करेंगे तो आपको परसेंटेज 35 से 40% तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका कुछ और भी डिटेल्स देख लीजिए, कोई NSE साइट में आप यहाँ पे आपको डिलीवरी देख लीजिए, 23% डिलीवरी, क्योंकि देखिए कंपनी का प्राइसिंग ज़्यादा है तो डिलीवरी भी अच्छा खासा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो भी डिलीवरी ज़्यादा हो रहा है। और इसका देखिए प्रोमोटर के पास कितना शेयर है, आप देख ही सकते हैं प्रोमोटर के पास यहाँ पे 45% है, 45.69%, तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है, फिर भी इस कंपनी स्ट्रांग एंड डेफली स्ट्रांग कंपनी है, इसको मानकर चल सकते हैं आप। और इस सारे स्टॉक में आप स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। और यहाँ पे देखिए कंपनी कितना शानदार डिविडेंड भी दे चुका है, और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर मतलब 31 मार्च क्वार्टर में, मतलब फोर्थ क्वार्टर में 52,570 लैक्स का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये भी एक सेकेंड मतलब इस पांचों स्टॉक में सेकेंड लिस्टेड में शामिल है, तो आप देख ही सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी आपको दे चुका है। और थर्ड नंबर जो स्टॉक है वो यहाँ पे देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजी एक और
आप टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, और इसका जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है आपको दिखा रहा है, ये भी देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस आपको दे चुका है, 774% का रिटर्न दे चुका है, वो भी 2017 से, मतलब देखा जाए 4 सालों में 774% का आपका रिटर्न दे चुका है। और चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं कितना फ्लैट मूवमेंट में चल रहा था, उसके बाद कंपनी का जो भारत सरकार ने जो अच्छा खासा नया से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खुद ही देश में ही बनाएंगे, तो उसके बाद इस कंपनी में कितना अच्छा खासा रैली दिखाया है वो आप देख सकते हैं, और फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया में बनेगा, तो इसलिए इस कंपनी में आप जरूर बने रहिए और इसके ऊपर स्टडी करिए, बहुत अच्छा खासा कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ स्टडी पर्पज़ में मैं दिखा रहा हूँ, बार बार मैं यही कर रहा हूँ, और इसको एनएससी साइड में आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए टोटल जो सी डेली डिलीवरी उठ रहे हैं 44 पॉइंट, मतलब देखा जाए 45% का डिलीवरी पिछले दिनों में उठ चुका है, और यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है वो तो देख ही सकते हैं, 4,650 रुपीज़। देखिए आप मुझे कमेंट करेंगे ही कि मैं हर बार जो स्टॉक ले आता हूँ तो उसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस टाइप स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको उतना पैसा नहीं होता है। देखिए आप अच्छा खासा कंपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मार्केट से आप जब कोई टी शर्ट और कोई अलग से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ब्रांडेड कंपनी के देखिए प्राइसिंग तो अच्छा होगा ही, और आप रिटेल मतलब जो लोकल क्वालिटी का प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उसका प्राइसिंग थोड़ा सा कम होगा क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए क्वालिटी वाला स्टॉक चूज करिए। आपको तो आप फ्यूचर के लिए, आपका लाइफस्टाइल के लिए आप अच्छा खासा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपका फ्यूचर के लिए भी अच्छा खासा स्टॉक ढूंढना चाहिए ना, यही मैं बता रहा हूँ। देखिए आपका ऊपर ये राय है, आप पेनी स्टॉक यूज़ करेंगे मतलब खरीदेंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा मतलब लार्ज कैप और मिड कैप टाइप स्टॉक खरीदेंगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो पूरा डिटेल स्टडी आप करिए उसके बाद इन्वेस्ट करिए। इसका भी देखिए परफॉर्मेंस देखिए, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ है, फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, डिविडेंड में कंपनी कितना अच्छा खासा दे रहा है, और यहाँ पे देखिए प्रमोटर के पास 35% है, कुछ भी नहीं गिरवी है। और उसके बाद जो फोर्थ पोजीशन में है वो देखिए हैप्पीज माइंड, ये तो एक जबरदस्त कंपनी है, अब डेली बेसिस हाई कर रहा है, थोड़ा सा रिकवरी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, थोड़ा कंपनी डाउन हो सकता है, फिर भी अब उस टाइम में रेडी रहना, और उस टाइम में आप जरूर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए रेडी रहना। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस है कंपनी, 358 प्राइसिंग लेकर 2020 में 18 सितंबर, मतलब एक साल भी नहीं हुआ कंपनी अभी तक देखिए 318% का रिटर्न दे चुका है। तो आप इसका जो टोटल मदर बिजनेस है, इसका आईटी सेक्टर में बिजनेस है, मतलब आईटी सेक्टर का दुनिया में बहुत अच्छा खासा कंपनी है, और इसका जो बेस है मतलब हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसका जो फाउंडर है वो देखिए अशोक सोटा है, और उन्होंने माइंडट्री में काम कर चुके हैं और टाटा इलेक्सी में काम कर चुके हैं, तो मतलब बहुत सारे आईटी सेक्टर में उन्होंने काम कर चुके हैं, तो मतलब उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, तो अच्छा खासा इसमें रैली देखने को मिलेगा फ्यूचर में, तो आप इसमें जरूर स्टडी करना, उसके बाद इसके ऊपर नज़र जरूर रखना। और इसका देखिए जो एनएससी साइड में आपको डिटेल्स दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए टोटल आपको टोटल डिलीवरी जो उठ चुका है पिछले दिनों में 19%, और इसका कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डर है उसके पास देखिए कितना शेयर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 53% शेयर प्रोमोटर ने होल्ड करके रखा है, कोई भी गिरवी नहीं रखा है, और पिछले क्वार्टर से देखिए करीबन देखा जाए 1,000 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और लास्ट जो स्टॉक है वो है रूट मोबाइल, ये भी एक अच्छा खासा कंपनी है, इसमें भी इन्वेस्ट करने से पहले आप पूरा स्टडी करिए। देखिए बहुत खासा खासा इस कंपनी भाग चुका है, थोड़ा सा रिकवरी होगा ही और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा ही, तो इस मिड कैप टाइप स्टॉक से आप नॉलेज गैदरिंग करिए उसके बाद इन्वेस्ट करिए। और ये टोटली टेलीकॉम सेक्टर से, और बहुत सारा मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट में गैजेट्स और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है, और इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, तो कंपनी हाल ही में 25 सितंबर से ही लिस्टिंग हुआ था, एक साल में देखिए 129% का रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं, कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है इसी का दावा कर रहे हैं जो बहुत सारे मतलब एक्सपर्ट्स हैं, तो आप भी इसमें स्टडी करिए उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। और इसके भी देखिए एनएससी साइड में जाइए, और यहाँ पे आपको प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 24%, यहाँ पे होल्डिंग उठ चुका है, और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग है वो आप देख ही सकते हैं, प्रोमोटर के पास यहाँ पे 65% मान के चलिए यहाँ पे होल्डिंग है, और यहाँ पे प्रोमोटर ने कोई भी कुछ भी चीज़ मतलब कुछ भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, डेट फ्री कंपनी भी है इस कंपनी, और यहाँ पे देखिए 9,993 लाख का
प्रॉफिट हुआ है, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जेनरेट करने वाला है। तो ये चारों मतलब सॉरी ये पांचों स्टॉक में आपको स्टडी करना है, इस स्टॉक में स्टडी करिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। ठीक है, देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा खासा स्टॉक के बारे में आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। और इस स्टॉक से कुछ स्टॉक तो अभी मिड कैप में चल रहा है, तो लार्ज कैप बनने वाला है। तो जब लार्ज कैप कोई भी कंपनी बन जाता है, उसका फ्यूचर में परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ये बात सही भी नहीं है कि हर कोई स्टॉक फ्यूचर के लिए आगे जरूर जाएंगे। तो देखिए आप पाँचों स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, एक मतलब आपका अच्छा खासा कोई भी स्टॉक में आप गिरावट हो तो, और बाकी स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे, तो आपका पोर्टफोलियो जरूर प्रॉफिट में होगा। ठीक है, तो ये मेरा स्टडी था, और आप भी स्टडी करिए उसके बाद इन्वेस्ट करिए, यही मेरा राय है। तो आई होप पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।